आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। समय से पहले खत्म हो सकती है राहुल गांधी की यात्रा। अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे फेज में है राहुल गांधी। भारत जोड़ो यात्रा का समय 10 दिन घटाया गया है, ये बड़ी खबर आ रही है, जहां 20 के बजाय 10 मार्च तक ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समाप्त होने की खबरें सामने आ रही हैं। यूपी में भी राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समय घटा दिया गया है। बताया जा रहा है कि जहां पहले 11 दिन तक यूपी में ये यात्रा रहने वाली थी, लेकिन अब सिर्फ 6 दिनों तक ही ये यात्रा यूपी में रहेगी। चुनावी तैयारियों के चलते इस यात्रा का समय घटाया गया है। अब तक की ये सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समय 10 दिन घटा दिया गया है। लखनऊ में पुलिस भर्ती बोर्ड में तैनात महिला सिपाही की मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। बताया जा रहा है कि महिला सिपाही की आत्महत्या के बाद जो मुकदमा दर्ज किया गया था, इसने अब एक नया मोड़ ही ले लिया है। मृतका के परिवार ने कैंट पुलिस और विवेचक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतका के परिवार का आरोप है कि कैंट पुलिस जानबूझकर आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर रही है। आपको बता दें, मृतक महिला सिपाही मौत मामले में कैंट थाने में एफआईआर दर्ज है, जहां परिवार ने पुलिस पर आरोप लगाना शुरू कर दिया है। आपको यह भी बता दें कि मृतका का जो आत्महत्या का मामला सामने आया है, लगातार बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग के चलते महिला सिपाही ने आत्महत्या की थी। वहीं यह भी बताया जा रहा है कि फेसबुक के जरिए महिला सिपाही की आरोपी से दोस्ती हुई थी। वहीं परिवार की माने तो मृतका के प्रेमी ने ही परिवार को जानकारी दी थी कि उनकी बेटी कोई गलत कदम उठा सकती है। ऐसे में परिवार को थोड़ी देर बाद ही महिला सिपाही की आत्महत्या की खबर मिली थी। खबर से जुड़ी जानकारी लेकर हमारे सहयोगी कलीम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कलीम, फिलहाल इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है कि नहीं? देखिए, जिस तरीके से अगर बात की जाए, पुलिस भर्ती बोर्ड में तैनात एक जो महिला सिपाही थी, उसने जो है लाइव वीडियो आकर के जो है उसने जिस तरह से सुसाइड किया था, सुसाइड मामले को लेकर के जो मुकदमे की बात की जाए, तो मुकदमा इस मामले में नहीं दर्ज किया गया था। क्योंकि जिस तरीके से पुलिस की अगर बात की जाए, पुलिस इस मामले में साफ तौर से कह रही थी कि ये आत्महत्या है, और आत्महत्या के मामले में अगर कोई पहलू मिलता है तो साधा पर जो है कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर परिजन की बात किया तो परिजनों ने जिस तरह से एक युवक पर आरोप लगाया था प्रेम प्रसंग में आत्महत्या के लिए उकसाने को लेकर के, फिलहाल पुलिस मुकदमा नहीं दर्ज कर रही थी। तो कल जो है अगर बात की जाए तो परिजनों ने जिस तरह से हंगामा काटा था, प्रदर्शन किया था, तो उसके बाद देर शाम तक पुलिस ने जो इस मामले को लेकर के अधिकारी के आदेश पर मुकदमा तो दर्ज कर लिया। लेकिन अगर गिरफ्तारी की बात की जाए तो अभी तक गिरफ्तारी की जो बात कही जा रही है वो गिरफ्तारी नहीं हुई, जिसको लेकर के परिजनों में काफी आक्रोश है। और आक्रोश को लेकर के ये भी साफ तौर से कहा जा रहा है कि अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो एक बार फिर से थाने का कहीं ना कहीं घेराव किया जाएगा। जी कलीम, ये भी जानना चाहेंगे कि क्या पुलिस से मिलने के बाद परिवार की ओर से अभी तक कोई बयान सामने आया है? देखिए, बयान की अगर बात की तो साफ तौर से ये बयान दिया जा रहा है कि जिस तरीके से अगर जो पुलिस की लापरवाही है, वो लापरवाही को लेकर के साफ तौर से कई गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। क्योंकि जो विवेचक है, विवेचक पर भी सांठगांठ का आरोप लगाया जा रहा है, जिसके कारण जो है मुकदमा नहीं दर्ज किया गया और ना ही आरोपी की गिरफ्तारी की गई थी। फिलहाल देर शाम की अगर बात की जाए तो अधिकारियों के आदेश पर मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या मुकदमे के बाद उसकी गिरफ्तारी होगी या फिर विवेचना के नाम पर अभी हिलाहवाली बरती जाएगी? ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद कलीम। दिल्ली में आज 17वीं लोकसभा का आखिरी सत्र चलने वाला है। ऐसे में बताया जा रहा है कि आज राम मंदिर पर संसद में चर्चा हो सकती है। दिल्ली में लगातार बीजेपी सांसदों के लिए व्हिप जारी कर दिया गया है और उम्मीद जताई जा रही है कि आज संसद में राम मंदिर को लेकर चर्चा हो सकती है। आज 17वीं लोकसभा का आखिरी दिन है, जहां पीएम मोदी आज विदाई भाषण देने वाले हैं। ऐसे में पूरी उम्मीदें हैं कि राम मंदिर का मुद्दा भी संसद में उठ सकता है। शाम 5 बजे पीएम मोदी विदाई भाषण देंगे। संसद से जुड़ी खबर आ रही है, जहां आज लोकसभा का आखिरी दिन है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पोस्टमार्टम हाउस के पास सड़क किनारे खड़ी गाड़ी को ही लेकर आरोपी फरार हो गए। पूरा मामला नगर कोतवाली के मेडिकल कॉलेज के पास मौजूद पोस्टमार्टम हाउस का बताया जा रहा है। सीसीटीवी पर ये
पूरा मामला रिकॉर्ड हो गया है। पीड़ित जयमंगल सिंह पिंटू ने चोरी की शिकायत पुलिस से की है। वहीं लगातार पुलिस ने जानकारी होने के बाद सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों की खोजबीन शुरू कर दी है। सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि कैसे आरोपी पिकअप लेकर पोस्टमार्टम हाउस के बाहर से फरार हो गए हैं। नगर कोतवाली के मेडिकल कॉलेज के पास मौजूद पोस्टमार्टम हाउस का ये मामला बताया जा रहा है, जहां बाहर खड़ी पिकअप पर ही चोरों ने हाथ साफ कर दिया है। पूरा मामला सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया है। वहीं जयमंगल सिंह पिंटू नाम के पीड़ित ने चोरी की शिकायत पुलिस से की है। वहीं पुलिस लगातार सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की खोजबीन में जुटी हुई है। यूपी विधानसभा के बजट सत्र का आज 8वां दिन होने वाला है। लगातार सदन में चर्चाएं होती आई हैं और आज सदन में बजट पर चर्चा होने वाली है, इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि यहां पर जमकर हंगामा भी देखने को मिल सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ बजट पर चर्चा करने वाले हैं। विधानसभा में अखिलेश यादव भी मौजूद रहेंगे। ऐसे में तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं कि शायद आज के बजट सत्र में जमकर हंगामा देखने को मिले। सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होने वाली है। सीएम योगी आदित्यनाथ जहां पर बजट पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें आज विधानसभा के बजट सत्र का 8वां दिन है, सदन में बजट पर चर्चा होने वाली है। वहीं ये भी खबर सामने आ रही है कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव इस सत्र के दौरान सदन में मौजूद रहेंगे। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज।